जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत करुच्छी आम यूट्यूब चैनल साहूजी स्टडी को। तो आज आम जनरल नॉलेजर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा जोटा कि आपणकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उपर आसीबो। तो आपण को एथर एग्जाम रे जो 20 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो जीके रु, तो आपण को आउट ऑफ 20 एथरु आपण को 2-3 एई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उपर देखिवा को ही मिलिबो। तो चलंतु डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करिया। तो भिडियोटी आरंभ करिया पूर्व मोर गोटे छोटिया अनुरोध कि चैनल टी जब एपर्त सब्सक्राइब करना तेज़े चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। तो आज प्रथम क्वेश्चन कौन हो ना, प्रथम क्वेश्चन हो वाज द फास्ट सेक्रेटरी जेनेल अफ यूएन। तो यूएन रास्ट सेक्रेटरी जेनेल किए, तो फास्ट सेक्रेटरी जेनेल होयाग ली। तो अपसन बी आपणकर सठिक उत्तर। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ रो फुल फॉर्म कौन ना, डब्ल्यूएचओ रो फुल फॉर्म होउची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर टी केउठारे अवस्थित, तो एटा हमरो जेनिवा स्विट्जरलैंड रे अवस्थित। तो आपण को ऑप्शन है, जदी जेनिवा थिबो जेनिवा मारिबे, जदी स्विट्जरलैंड थिबो स्विट्जरलैंड मारिबे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, एडीबी एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो एडीबी कौन ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक केबे एस्टैब्लिश हुई थिला, तो यार राइट आंसर टी होची डिसेंबर 1966 मसिया रे एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश हुई थिला। तो ऑप्शन बी आपणकर राइट आंसर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ इंटरपोल आर। तो इंटरपोल रे केते जण मेंबर अछंती, तो इंटरपोल रे हमरो 192 जण मेंबर अछंती। तो ऑप्शन ए आपणकर सठिक उत्तर, सॉरी 192 आगुरु थिले, वर्तमान रिसेंटली किंतु 100 केते अछंती, 194 अछंती। तो रिसेंटली आपणकर 194 मेंबर अछंती। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो सार्क रो हेडक्वार्टर केउठारे अवस्थित, तो सार्क रो फुल फॉर्म कोन ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यार हेडक्वार्टर टी केउठारे अवस्थित ना, यार हेडक्वार्टर टी आमर काठमांडू रे अवस्थित। तो काठमांडू कहार राजधानी ना, काठमांडू नेपाल रो राजधानी। तो ऑप्शन बी आपणकर सटीक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी। तो यूएनडीपी रो फुल फॉर्म कौन ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यार हेडक्वार्टर टा आमर केउठारे अवस्थित, तो यार हेडक्वार्टर आम न्यूयॉर्क रे अवस्थित। तो ऑप्शन बी आपणकर सठिक उत्तर। तो मुझे आपकी रखुचे आपणकर एग्जाम निश्चय हेडक्वार्टर रु दुईट क्वेश्चन आसवाटा ही आसीबो। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज इलेक्टेड फॉर। तो यूएन रो जो सेक्रेटरी जनरल केते वर्ष पई इलेक्टेड होइथांदी, तो से 5 वर्ष पई इलेक्टेड होइथांदी, किंतु केते थरो पई ना, दुईटी टर्म पई से इलेक्टेड होइथांदी, माने 5-5-10 थर, माने 10 वर्ष मैक्सिमम से रही पारे, माने गोटे थर इलेक्टेड हेले 5 वर्ष रहिले सेकंड टाइम पई फुणी आउ थरे छिडा हे, जदी इलेक्टेड हेले ताले फुणी आउ 5 वर्ष रही पारे, देन आउ थर्ड टाइम पई सी आउ इलेक्शन रे छिडाई पारिबे नाही। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द टोटल नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस आर। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केतेटा अछि, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आमर केतेटा अछि ना, 15 टी अछि। तो ऑप्शन डी आपणकर सटीक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट आर द प्रिंसिपल बॉडीज ऑफ यूएन। तो यूएन रो प्रिंसिपल बॉडीज गुडी कोन कोन ना, प्रथमटी होची जनरल असेंबली, तो एटा भी यूएन रो प्रिंसिपल बॉडी। सेकंड होची सिक्योरिटी काउंसिल, तो एटा भी यूएन रो प्रिंसिपल बॉडी। एंड थर्ड होची सेक्रेटेरिएट, तो एटा भी ठीक होची, तेणुक यार आंसर टी हम ऑल ऑफ दिज। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पूर्व मुझे आपको किसी कही रखा चाहे कि आपण मैंने जो रिक्वेस्ट करते सार जो ट्रिक कही कहवापी, तो मुझे आपको निश्चय से ट्रिकटी कह जो ओएमआर अटेम्प्ट करवाई, तो ओएमआर केमी अटेम्प्ट करेंगे जहाँफल आपको कंपिटेटिव एग्जाम भल मार्क रही पार, सहित आपत जो एग्जाम सेन्टर जी कौन कौन नहीं जी कौन ने सब मुझे डिटेल्स गोटे वीडियो अपलोड वीडियो बनई आपको अपलोड करदेवि, तेणुक आपत टेंशन हाँ दरकार नहीं। आज जदि भिडियोटी भल लगुच तेज हृदय लाइक गोटे निश्चय करूँ। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूएन।
तो यूएन रो भितर कोटा एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होची हमर सेक्रेटेरियल, तो ऑप्शन सी आपणकर सटीक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टे होची यूनेस्को एस्टाब्लिश्ड ऑन, तो यूनेस्को केबे एस्टाब्लिश होईथिला, तो यूनेस्को आपणकर 16 नवंबर 1945 रे एस्टाब्लिश होईथिला, किंतु एठार ऑप्शन टी नाही, तो एटा को आमे 45 करि दबा। तो यूनेस्को आपणकर 16 नवंबर 1945 रे एस्टाब्लिश होईथिला, एवं केउठार एस्टाब्लिश होईथिला ना लंडन रे आपणकर यूनेस्को एस्टाब्लिश होईथिला। तो चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग, तो अरब लीग रो हेडक्वार्टरटा केउठार अवस्थित, तो अरब लीग रो हेडक्वार्टरटा हमरो कायरो रे अवस्थित, तो ऑप्शन ए आपणकर सटीक उत्तर। तो कायरोटा केउठार अवस्थित ना कायरोटा हमरो इजिप्ट रे अवस्थित, तो हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग जदि कायरो पड़ी तबे कायरो मारिबे नाही, तो इजिप्ट जदि पड़ी तो ऑप्शन नथिबो इजिप्ट भी मारि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, तो इंटरपोल रो हेडक्वार्टरटा केउठार अवस्थित, तो एरो हेडक्वार्टरटा हमरो लियोन फ्रांस रे अवस्थित, तो ऑप्शन ए आपणकर सटीक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। WWF ओपन फॉर, तो WWF रो फुल फॉर्म कोन ना वर्ल्ड वाइल्ड फंड, तो एटा केबे ओपन होईतिला, तो एटा आपण कोन 16/11/1961 रे ओपन होईतिला, तो ऑप्शन बी आपणकर सटीक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हेडक्वार्टर ऑफ एपीईसी, तो एपीईसी रो हेडक्वार्टर केउठार अवस्थित, प्रथम यार फुल फॉर्म जानिन, तो यार फुल फॉर्म होची एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो यार हेडक्वार्टरटा केउठार अवस्थित ना हेडक्वार्टरटा आरो सिंगापुर रे अवस्थित, तो ऑप्शन बी आपणकर सटीक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ रो हेडक्वार्टर केउठार अवस्थित, तो यार राइट आंसर टी ऑप्शन ए लंडन रे यार हेडक्वार्टर टी अवस्थित। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन गुड़िक होची आपनको पई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो एथरु आपनको एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन देखिबो निश्चय मिलिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हेडक्वार्टर ऑफ WTO, तो WTO रो फुल फॉर्म कोन ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर टी केउटी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर टी हमरो जेनिवा रे अवस्थित। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, तो यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर होची न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए आपणकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को एस्टाब्लिश्ड, सॉरी यूनेस्को नो एटा यूनिसेफ, तो यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर टी होची हमर न्यूयॉर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज लास्ट क्वेश्चन कौन दे ना यूनिसेफ एस्टाब्लिश्ड ऑन, तो यूनिसेफ केबे एस्टाब्लिश होईथिला, तो यूनिसेफ आपणकर 11 डिसेंबर 1946 रे एस्टाब्लिश होता, तो ऑप्शन बी आपणकर राइट आंसर। जो तो मुझे किसी इंपोर्टेंट जिनस डाकुची, जो चार्टी डाकुची, चार्टी आप भलसे मन रखुद, एथर गोटे क्वेश्चन आपको देखा निश्चय मिलो। आ क्वेश्चन टा पढ़ला जो पढ़ आप परीक्षा देखिए से मोर कथा आपको निश्चय मन को आसो। तो प्रथम क्वेश्चन मुझे डाकुची, आप नोट्रे लिखु हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस, तो हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस हो आपर जेनिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो यूनेस्को रो हेडक्वार्टर, तो यूनेस्को रो हेडक्वार्टर हो पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर, तो यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर टा हमर होची न्यूयॉर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची WTO रो हेडक्वार्टर, तो WTO रो हेडक्वार्टर हो जेनिवा। तो यही चारोटी जिनस आप भलसे मन रखु, आप कौन मन रखु कि न रखु, कि चारोटी जिनस भलसे मन रखु, यही चार कन्फर्म गोटाए क्वेश्चन देखा मिलो। तो आजपाई ये, तो देखा नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।